एक मन्ने हो, तुसा एक नू ही लोड़े है, ते एक नू ही तुसी पातशाह जी मन्ने हो। सब तो वड्डी दात गुरु अमरदास जी महाराज की 17 रागां दे विच 907 उन्हां दे प्यारे शब्द, फिर सात संगत गुरु अमरदास जी महाराज ने उचेचियां बाणियां दे विचों आनंद साहब बाणी की दात बख्शिश की। फिर इत्थे बस नहीं, गुरु अमरदास जी महाराज ने जदों बादशाह अकबर आया, एक ना जदों बाबा सत्ता ते बलवंड जी ने तीजे पातशाह की सिफत की, तीजे पातशाह की सिफत विच उन्हां एक पंक्ति आखी है, महाराज नित रसोई तेरी है घ्यो मैदा खाण, कि सतगुरु जी तुहाडी रसोई विच तुहाडे लंगर विच तुहाडे घर विच जिहड़ा प्रशादा बनता है नित रसोई तेरी है घ्यो मैदा खाण। घ्यो ते मैदे दे नाल पकवान तैयार हुंदे ने ते तुहाडे दरबार दे विच सदा तुहाडी रसोई ते लंगर विच महाराज ये सदा बरतदा है। गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी की पंक्ति है, ते तीजे पातशाह की उपमा विच गुरु अमरदास साहिब महाराज के दरबार विच उस वेले बादशाह अकबर आया, कोई माड़ी मोटी गल नहीं सी। तुसी अज के समय के विच सोच के वेखो भी एक देश का प्राइम मिनिस्टर आया हो गुरु के दरबार विच, पर उन्हें बह के पंगत विच लंगर छकिया हो गया पंगत विच। ते सब तो वड्डी गल सी कि जदों भी तुसी किसी गुरु दरबार जाओ लंगर हाल च प्रशादा छको, जे तुहाडा शरीर थले बहण दे काबल है ते पंगत विच बहो ते संगत विच बह के आनंद माणो। उन्हें पंगत विच बैठ के प्रशादा छकिया, ते जदों प्रशादा छकिया ते बड़ा प्रभावित होया कि इत्थे अमीर गरीब उच्चे नीवे विचकरा ही कोई नहीं, ते महाराज दे दरबार विच लखां दी गिणती विच लोग प्रशादा छकदे ने, ते ओह प्रभावित होया ते कहिंदा महाराज मैं तुहाडे लंगरां वास्ते कुछ जंगीर देनी चाहुंदा। गुरु जी ने आख्या नहीं, ये जिहड़े गुरु के लंगर ने यह बादशाहां दी दो नंबर दी कमाई नाल नहीं, यह सिखां दी मेहनत दसवंद दे नाल यह गुरु के लंगर चलदे ने, ते बड़ी भावना नाल गुरसिख बड़े चाई चाई खुशी दे नाल जो भी रस्त पानी लैके आउंदे ने यह गुरु के लंगर संगत दे सिर ते चलदे ने, बादशाह दी दो नंबर दी कमाई नाल ने। इन्ने नूं इह गल्लबात चलदी सी, एक नौजवान आया ते उहने एक टका गुरु अमरदास साहिब महाराज अगे रखिया, ते कहिंदा महाराज पिता जी आ नहीं सके रुझेवें सन, ते इह दसवंद भेजिया। सतगुरु जी ने आख्या बादशाह अकबर आ वेख ਇਹ ਸੰਗਤ ਦੀ ਭੇਟਾ ਦੇ ਨਾਲ ਦਸਵੰਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇੱਕ ਟਕਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦਸਵੰਦ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਭੇਜਣ, ਤੇ ਤੇਰੀ ਉੱਥੇ ਦੋ ਨੰਬਰ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ੰਗੀਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਲੰਗਰਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਇਹ ਤੇ ਸੰਗਤ ਦੀ ਭੇਟਾ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ, ਔਰਤ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਹੱਕ ਦੇ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਮੈਂ ਔਰਤ ਦਾ ਹੱਕ ਕਿਹੜਾ ਮਾਰਿਆ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਉਹਨੂੰ ਸਤੀ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਇਹ ਔਰਤ ਵਾਸਤੇ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਪਤੀ ਮਰ ਜਾਏ ਤੇ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਸਤੀ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਪਤਨੀ ਮਰੇ ਤੇ ਮਰਦ ਨੂੰ ਚਾਰ ਚਾਰ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਆਖਿਆ ਇੱਕ ਪਰਦੇ ਦੀ ਘੁੰਡ ਦੀ ਰਸਮ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਓ, ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਔਰਤ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਦਿਓ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਤੀ ਨਾ ਹੋਣਾ ਪਏ, ਇਹ ਸਤੀ ਪ੍ਰਥਾ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਫਿਰ ਵਿਤਕਰਾ ਬਹੁਤ ਸੀ गुरु अमरदास साहिब महाराज के वेले कि एक धारणा प्रचलित सी कि जेडे ब्राह्मण हैं उच्चियां जातां विचों ने खूह तो कुत्ता ते पानी पी सकदा पर शूदर उत्थे ना नहा सके ते ना उत्थों पानी पी सके, शूदरां दे खूह वखरे सन। गुरु जी ने समय की नजाकत नूं पछाणदिआं होइआं बौली साहिब की खुदाई कराई, गोइंदवाल साहिब की पावन पवित्र धरती ते बौली साहब की खुदाई हुई, आख्या इत्थे वितकरा कोई नहीं, इक्को जल दे नाल सारे सिख इशनान करनगे ते इक्को ही बौली साहब दे विच्चों जल सारियां सिख संगतां छकणगियां, इत्थे वितकरा कोई नहीं। ते जदों भट्ट साहिबाना ने तीजे पातशाह की सिफत की ते उन्हां आख्या महाराज रहे हो संत हो टोल साध बो तेरे डिठे, सन्यासी तपस्वी मुखों ए पंडित मिठे, बरस एक हाँ फिरे हो किन्ने न परचो लायो, कहते कहती सुनी रहत को खुशी ना आयो, हर नाम छोड़ दूजे लगे तिन के गुण हाँ क्या कहो,
गुर दई मिलायो पिखिया जिब तू रखें दिवरा। जे तक गुरु नानक साहब ने गुरसिखी का प्रचार दूर दुराडे इलाकों आप पैदल तुर के किया, फिर जी प्रचार की एक लहर चलाई वो तीजे पातशाह ने 22 मंजिया 52 पीड़े स्थापित किए। एक गुरसिखी के प्रचार के केंद्र सन कि दूर दुराडे सिख जाके गुरबाणी का प्रचार कर। फिर तीजे पातशाह के हुक्मां दे नाल जिहड़ा गुरु रामदास साहिब महाराज ने भेजना ते श्री अमृतसर साहब नगर वसाउणा। तो सात संगत जिथे गुरु अमरदास साहब महाराज ने 22 मंजियां 52 पीड़े स्थापित किए, उत्थे गुरु अमरदास साहब महाराज के जीवन अंदरों जिहड़ी सानू सब तो वड्डी दात यह प्राप्त होंदे है कि सतगुरु जी ने गोइंदवाल गोबिंदपुरी सम जलन तीर पास बनायो। कहिंदे ने दरिया के कंढे ते ब्यास दरिया पानी के कंढे ते गुरु अमरदास साहब महाराज ने रब के घर वर्गा एक घर आप सद्या, क्योंकि जिमें गुरु नानक साहब ने करतारपुर साहब नगर वसाया सी बिल्कुल इस तरह दूजे पातशाह ने फिर वसाया फेरवान सतगुर खडूर, तीजे पातशाह ने दूजे पातशाह के हुक्मां सदका गोइंदवाल साहब नगर जिहड़ा वसाया वह रब के घर दे। ते जदों तीजे पातशाह की सिफत करते पाठ साहबान कहते महाराज रहे हो संत हम टोल साधु वो तेरे डिठे भी असी तो बहुत वेखे तेरा नाम वरतन वाले नानक शब्द भी ला लेंगे सन तुहाडे वांगू बाणा भी धर्मियां वाला पा लेंगे सन असी बहुत वेखे ने पर सानू तो एक साल हो गया किसी ने भी साढ़े मन की तसली नहीं की ते साढ़े परचे विच्चों अज तक कोई भी पास नहीं होया। रहे हो संत हम टोल साधु वो तेरे डिठे आख्या सन्यासी तपस्सी मुखों ये पंडित मिठे वड्डे वड्डे सन्यासी तपस्सी मूँह तो मिठियां गल्लां करन वाले महाराज सन्यासी तपस्सी मुखों ये पंडित मिठे बरस एक हाँ फिरे किन्हां ना परचो लाए सानू एक साल हो गया पर साडे परचे दे विच्चों दे पास कोई भी नहीं होया। बरस एक हाँ फिरे किन्हां ना परचो लाए कहत्या कहती सुनी रहत को खुशी ना आयो जिन्हां दे कोल कल्लियां गल्लां बातां सन जुबान ते गल्लां सन पर उन्हां दी रहत वेख के जीवन की मर्यादा वेख के ते सानू खुशी नहीं आई कहत्या कहती सुनी रहत को खुशी ना आयो। हर नाम छोड़ दूजे लगे जिन्हां ने रब का नाम छड़ दिता ते उस संसार के मोह माया झंझट झमेलिया में लग गए। हर नाम छोड़ दूजे लगे तिन के गुण हाओ क्या कहां आख्या गुर दई मिलायो पिखिया जिब तू रखें तिवरा। महाराज हुण मैनू गुरु मिल गया ते जिवें पूरा गुरु मैनू रखेगा ते मैं सतगुरु जी की रजा दे विच रहांगा। महाराज के घर का विरोध भी बहुत लोगों ने किया खास तौर पर जिहड़े जात अभिमानी लोग सन उन्हां दे विचों बिपर सन उन्हां विरोध किया गुरु अमरदास साहब महाराज का भी इन्हां ने ते बौली की खुदाई कर करके जातां पातां दे विचकरे खत्म कर दिते ऊंच नीच का कोई भेदभाव भी नहीं रह गया इक्को जल विचों सारे ऊंच नीच इशनान करी जाते हैं उत्थों जल छकी जाते हैं इत्थे कोई भेदभाव नहीं एक संगत है एक पंगत है। गुरु जी नूं सिखां ने आके दस्या महाराज जिथे बहुत सारे तुहाडे घर का विरोध करन वाले ने उत्थे गोइंदवाल साहब का रहण वाला एक तपा महाराज सब तो वध विरोध तुहाडे घर का करदा। महाराज ने पुछया गुरसिखां तों की कहिंदा जी महाराज आंदा वी महाराज ने अपने दरबार दे विच जिहड़ी पंगत च बिठा के लंगर छकाउंदे ने ते उत्थे ते भेदभाव विचकरे खत्म कर दित्ते ने क्योंकि गल सारी सांझी वालता दी सी वी इत्थे ते जिन्हां नूं असीं सदियां तों दबा रहे सां नीच ते शूद्र कहि के उह ते विचकरा तीजे पातशाह ने खत्म कर दित्ता। गुरु जी नूं कहिण लगे सिख महाराज तुहाडे दरबार विच बहुत लोड़वंद भुखे आ के प्रशादा छकदे ने पर एक तपा तुहाडे घर दा विरोध करदा है। गुरु जी ने आख्या गुरसिखो कल तो इस तरह करो भी जेड़ा भी गुरु दरबार में लंगर छकन आता है ना गोइंदवाल साहब उन्होंने एक रुपया देना एक गुरबाणी की पंक्ति है लंगर दौलत वंडी है रस अमृत खीर क्या बाबा सत्ता जी ते बलवंड जी की पंक्ति है ते ए है दूजे पातशाह की सिफत लंगर दौलत वंडी है भी सतगुरु जी तुहाडे दरबार में जिथे गुरु का लंगर चलता है उत्थे कोई लोड़वंद आ जाता है भी किसी के पाटे कपड़े ने
ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਦੌਲਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਭਾਈ ਚੰਗਾ ਜੋੜਾ ਲੈ ਕੇ ਸਮਾ ਲਈ, ਪੈਰ ਵਿੱਚ ਜੁੱਤੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਵਧੀਆ ਜੁੱਤੀ ਪਾ ਲਈ। ਕਿੱਡੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤ ਦੀ ਭੇਟਾ ਸੀ ਤੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਲੱਗਣੇ, ਲੰਗਰ ਦੌਲਤ ਵੰਡੀਐ ਰਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਖੀਰ ਕਿਆ ਲੈ, ਤੇ ਰਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਗੀ ਖੀਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਗੁਰਸਿੱਖੋ ਜਿਹੜਾ ਲੰਗਰ ਛਕਣ ਆਏ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਰੁਪਈਆ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਵਧਾ ਕੇ ਦੋ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਫਿਰ ਤਿੰਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਤਪਾ ਅਜੇ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਗੁਰਸਿੱਖੋ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਦਾ ਨਾ ਲੰਗਰ, ਉਹਨੂੰ 5 ਰੁਪਈਏ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ 'ਚ 5 ਰੁਪਈਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਉਹ ਲਾਲਚੀ ਹੈ, ਲੋਭੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਅੰਦਰਲੀ ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰਸਿੱਖੋ ਹੁਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ, ਹੁਣ 5 ਰੁਪਈਏ ਨਹੀਂ, 1 ਸੋਨੇ ਦੀ ਮੋਹਰ ਕਰ ਦਿਓ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕੇ ਉਹਨੂੰ 1 ਸੋਨੇ ਦੀ ਮੋਹਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਲੰਗਰ ਛਕਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੱਥੇ ਐਨ ਰੱਜ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕੀਦਾ, ਕੁੱਖਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀਦਾ, ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਸਿੱਖ 1-1 ਸੋਨੇ ਦੀ ਮੋਹਰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਅੱਛਾ ਕਿੰਨਾ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਮੈਂ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਦਾ ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1 ਸੋਨੇ ਦੀ ਮੋਹਰ ਤੇ ਮਿਲਦੀ, ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਕੇ ਕੀ ਮਿਲਿਆ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਮੇਰੀ ਤੇ ਪਛਾਣ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਇੰਨਾ, ਹੁਣ ਜਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਮਾਰ ਦੇਣਾ। ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਭੇਜਾਂ, ਮੇਰੀ ਤੇ ਪਛਾਣ ਪਰ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਤੇ ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਬੂਹੇ ਥਣੀ ਗਿਆ ਫਿਰ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਪਛਾਣ ਲੈਣਾ ਵੀ ਤਪਾ ਆਪ ਤੇ ਆਇਆ ਨਹੀਂ, ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਪੁੱਤ ਉਹਦਾ ਮੋਹਰ ਲੈਣ ਦਾ ਮਾਰਾ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਤਪਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅੰਦਰੋਂ ਲੋਭੀ, ਨਿਤ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਫਿਰੈ ਜਿਨ ਮਾਲਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਥੋੜਾ ਧਨ ਵੇਖੈ ਤਿੱਥੇ ਤਪਾ ਪਿੱਟੇ ਨਹੀਂ, ਧਨ ਬਹੁਤੇ ਡਿੱਠੇ ਤਪੈ ਧਰਮ ਹਾਰਿਆ। ਭਾਈ ਇਹ ਤਪਾ ਨਾ ਹੋਵੀ ਬਗੁਲਾ ਹੈ ਬੈ ਸਾਧ ਜਨਾ ਵਿਚਾਰਿਆ। ਇਹ ਗੌੜੀ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ। ਹੋਇਆ ਪਤਾ ਕੀ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਲੋਭੀ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਲੋਭੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਪਤਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫਲਕੇ ਕੁੱਤੇ ਨਾਲ। ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਖਾਣਾ ਤੇ ਕੀ ਛੱਡਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਫਲਕ ਪੈ ਜਾਏ। ਤੇ ਲੋਭੀ ਬੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵਿਰੋਧ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਣ ਪਰ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਹੀ ਹਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤਪੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਹੋਇਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤ ਸੰਗਤ, ਇਹ ਬੜੀ ਦਿਲਚਸਪ ਕਥਾ ਹੈ, ਹੈ ਤੇ ਨਵੇਰੀ ਪਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਵਕਤ ਨਹੀਂ। ਖੈਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਕਰਾਂ ਵੀ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਪੁੱਤ ਤੇਰੀ ਵੀ ਪਛਾਣ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੀ ਵੀ, ਤੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਦੀ ਕੰਧ ਟਪਾਉਣਾ ਤੇ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਛਾਲ ਮਾਰ ਦੇ ਤੇ ਲੰਗਰ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛੱਕ ਕੇ ਨਾਲੇ ਇੱਕ ਮੋਹਰ ਲਈ ਤੇ ਨਿਕਲ ਆਏ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਕੰਧ ਟਪਾਉਣ ਲੱਗਾ, ਕੰਧ ਤੇ ਚੜਾ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਸਹਾਰਾ ਦੇ ਦੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਨੇ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਲੰਗਰ 'ਚ ਛਾਲ ਮਾਰੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਭਾਰ ਨਾਲ ਉਸ ਨਿਆਣੇ ਦੀ ਲੱਤ ਟੁੱਟ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਲੱਤ ਟੁੱਟੀ ਤੇ ਉਹ ਰੋਇਆ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਰੋਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਵੀ ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਕੱਠ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਛਾਣ ਲਿਆ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਤਪੇ ਦਾ ਮੁੰਡਾ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਕਿਵੇਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਪਿਓ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਪਰ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਲੈ ਗਏ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਪੁੱਤ ਅਸਲੀਅਤ ਦੱਸ ਭਰੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਨੇ ਰੱਜ ਕੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਲੋਭ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣਾ ਵੀ ਧਰਮ ਹਾਰ ਗਿਆ, ਦੀਣੇ ਮਾਣ ਛੱਡ ਗਿਆ ਸਭ, ਲਾਲਚੀ ਹੈ। ਕੀ ਹੋਇਆ? ਜਦੋਂ ਤੁਸਾਂ ਸਵੇਰੇ 1 ਰੁਪਈਆ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਤੇ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਫਿਰ 2, 3, 4, ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ 5 ਹੋ ਗਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ 5 ਹੋਏ ਨਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਲਲਚਾਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ, ਵਿਚਾਰ ਤੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸੀ ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸਾਂ ਰਹਿੰਦੀ ਕਸਰ ਵੀ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਖਿਆ 1 ਸੋਨੇ ਦੀ ਮੋਹਰ ਦਿਆਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕੇਗਾ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਪੁੱਤ ਹੁਣ ਤੇ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਪਰ ਆਪਣੀ ਤੇ ਪਛਾਣ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਨੇ ਕੰਧ ਚੜਾਇਆ ਤੇ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਛਾਲ ਮਾਰੀ ਕੰਧ ਉੱਚੀ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਭਾਰ ਨਾਲ ਲੱਤ ਟੁੱਟ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਆ ਬਣਿਆ। ਫਿਰ ਨਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਗੁਰਸਿੱਖੋ ਇਸ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਇਲਾਜ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਸੋਨੇ ਦੀ 1 ਮੋਹਰ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮੰਗਦੇ ਦੇ ਦਿਓ ਪਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਲੋਭੀ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹ ਬਚਨ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਤੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ। ਤਪਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅੰਦਰੋਂ ਲੋਭੀ, ਆਖੇ ਤਪਾ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਪਖੰਡ ਕਰਦਾ, ਅੰਦਰ ਤੇ ਲੋਭ ਹੈ।
तपा ना होवे अंदरों लोभी नित माया नो फिरे जजमालिया ललचौना हर वेले नित माया नो फिरे जजमालिया जिथे थोड़ा धन वेख है तिथे तपा पिटा ना है जदों ते धन थोड़ा वेख है एक दो कले रुपये फिर जिथे थोड़ा धन वेख है तिथे तपा पिटा ना है उदों ते कहिंदा सी वी इन्हां दा धन थोड़ा चला सकदा है तुसीं तुर गए लोकां नूं कहिंदा सी मैं थोड़ा जाणदा जिथे थोड़ा धन वेख्या तिथे तपा पिटा नहीं धन बहुत है तिथे जदों बहुता धन वेख लिया पंज मोहरां तक गल गई ते फिर तपा धन हारिया भाई तपा ना होवी बगुला है वह साध जना विचारिया कहिंदे कहिंदे साडे साधां वर्गे सिखां ने विचार कर ले भी इह तपा नहीं तपा ना होवी बगुला है वह साध जना विचारिया ते उहदे विच इक पंक्ति है तपै आण विच पुत बहालिया कि मोर लैण वास्ते तपे ने ना अपने पुत्र नूं लिया के लंगर विच बिठा दिता ते असलीयत जदों सिखां दे सामने आई सिखां दे नहीं खडूर साहिब दे सारे रहण वाले गोइंदवाल साहिब दे सारे रहण वाले गुरसिखां ते वसनीकां नूं पता लगा भी जिवें एक तपे ने गुरु अंगद साहिब दा विरोध कदे खडूर साहिब कीता सी बिल्कुल उस तरह इस तपे ने गोइंदवाल साहिब विरोध कीता पर यह तपे नहीं यह लालची ते लोभी हैं इस करके कितने पट्टा ने गुरु अमरदास साहिब महाराज की सिफत की आख्या कनहर बूंद बसो रोमावल कनहर कहिंदे ने बदलों दी कणियां बसो रोमावल कुसुम बसंत गणंत ना आवै वर्खा दी कणियां गिणियां थोड़ा जा सकदियां सारे बनस्पति दे फुल बसंत रुत च खिड़े होण ते उह गिणे थोड़ा जा सकदे बहुत औखा है गिणना कुसुम बसंत गणंत ना आवै रब सस चंद्रमा ते सूरज किरण इन्हां दी किरणां सूरज ते चंद्रमा दी किरणां थोड़ा गिणियां जा सकदियां उधर सागर को उधर कहिंदे ने ढिड सागर कहिंदे ने समुंदर नूं समुंदर दा अंत थोड़ा पाया जा सकदा ना ही उहदा पाणी मिणिया ते तोलिया जा सकदा ना डुंगाई ते आख्या महाराज वी बहुत ही वड्डी गल है वर्खा दीआं कणियां वी गिणियां जा सकदियां ने बनस्पति दे सारे खिड़े फुल वी गिणे जा सकदे ने आख्या महाराज सूरज ते चंद्रमा दीआं किरणां वी गिणियां जा सकदियां कोई वड्डी गल है गंगा दीआं लहरां वी गिणियां जा सकदियां कनहर बूंद बसो रोमावल कुसम कुसम कहिंदे ने फुल नूं बसंत गणंत ना आवै रव सस किरण उधर सागर को गंग तरंग अंत को पावै रुद्र ध्यान ज्ञान सतगुरु जे शिवजी वर्गी ऐन लम्मी अफुर समाधि ला के ते सतगुरु दे ज्ञान ध्यान नाल कब जन पल उन्हां जो गावै कब कवि पल इह भट पल दी दस पईआ है जिन्हां दी बाणी गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी च दर्ज है आख्या भले अमरदास गुण तेरे तेरी उपमा तोहे बणावे भल्लिया की कुल विच पैदा होने वाले गुरु अमरदास जी तुहाडी उपमा केवल तुसी जानदे हो क्योंकि आप नारायण कला धार जग में परवरियो निरंकार आकार जोत जग मंडल करियो जह कह तह भरपूर शब्द दीपक दिपायो जह सिखा संग्रहयो तत हर चरण मिलायो जिथे सिखा ने तुहाडा उपदेश धारण कर लिया उन्हां नूं तुसीं अपने विच लीन कर लिया तुसीं ते खुद नारायण दा रूप हो महाराज तुहाडी उपमा तुसीं ही जानदे हो तुहाडी उपमा मुकम्मल तौर ते बयान नहीं कीती जा सकदी वर्खा दीआं कणियां गिणियां जा सकदियां सारी बनस्पति दे फुल गिणे जा सकदे ने समुंदर दा अंत भी पाया जा सकदा है सूरज चंद्रमा दीआं किरणां गिणियां जा सकदियां पर तुहाडी उपमा केवल तुसीं जानदे हो तां ही भट्टा ने आख्या सी चरण तां प्रसक्यत चरण गुर अमर पवल रह हाथ तां प्रसक्यत हाथ गुर लगे अमर पै जी तां प्रसक्यत जी गुर अमर पणिजै नैण तां प्रसक्यत नैण गुर अमर पखिजै शरण तां प्रसक्यत शरण गुर अमर सुनिजै सक्यत सो हियो जित ही बसै गुर अमरदास निज जगत पित सक्यत सो सिर जालप बणै जो सिर निमै गुर अमर नित सतगुरु कृपा करन ये बड़े प्यारे जीवन दे पल सतगुरु जी दे बाणी दे अमोलक वचन साडी तुहाडी जिंदगी जीवन दा आधार बन जाण सारियां संगतां दा धन्नवाद आप जी ने बहुत ही एकाग्रता दे नाल श्रवण कीता है आप जी रोजाना ही बड़ी एकाग्रता नाल श्रवण करदे हो सारियां संगतां दा धन्नवाद कोटानुकोट शुकराना
श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह जी का। आओ अगला प्रोग्राम साढ़े बहुत ही सत्कारयोग सैकटरी साहब सरदार सुखदेव सिंह जी बैनीपाल साहब तिना के पासों श्रवण करिए। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह।